तो अब हम बात करते हैं आपके एनसीईआरटी 3.3 के एग्जाम आपके क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। क्या बोल रखा है भैया, आपको बोल रखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये आपको करना है प्रूफ, सिद्ध करना है, ठीक है। आपका वो इस कंसेप्ट है, आप लिखोगे भैया जो भी दिया हुआ है उस सवाल को लिखेगा, लिखकर आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन की पावर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, यही आपको दे रखा है क्या। हाँ, अब यहां से सीधे सीधा कंसेप्ट यह है भैया, सीधा सीधा कंसेप्ट यह है, क्या है सीधा सीधा कंसेप्ट, हमें यह देखने को मिल रहा है कि भैया यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा ले, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, चूंकि देखिए आपको लिख के बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या यही होता है, ठीक है, क्या यही होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर आगे हम डिस्कस करने वाले, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेंगे अगर आप कहोगे तो, बाकी नहीं करेंगे, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम सोल्व ढंग से लिख लिया क्या, तो साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x, क्या बात समझ में आती है। हाँ भैया, हमने इसको खोल लिया है, क्या खोलना आता है आपको, बिल्कुल अच्छे से हमें खोलना आता है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, क्या आपको आता है, बिल्कुल ठीक है। तो लगा लेके हाँ, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई टू, सी कितना है 6x माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी कितना 6x प्लस 4x बाई टू, ठीक है, क्या बात समझ में आती है ना। हाँ, अच्छे समय आती है समझ में। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है भैया, देखो आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू साइन, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 10 10 बटे 2 5, तो साइन 5x, ठीक है। यहाँ से कितना जाएगा कॉस, ये कितना आ जाएगा कॉस x आ जाएगा, बिल्कुल भैया x आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 4 2 और 2 में 2 का भाग दिया, x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू साइन, ये देखो कितना हो जाएगा साइन 6 माइनस 4 2, 2 में 2 का डिवाइड किया हमने, x मिल गया, ठीक है। इंटू यहाँ पर भी जो कॉस है ना, कॉस 5x आ जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 4 10 और 10 में 2 का भाग दिया 5x आ जाएगा, क्या बात सभी आती है अच्छे से। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा इसको देख कर ऑब्जर्व करना है, आपको है ना क्या लिखना, देखिए सीधी सी बात है, अब आप लिख लोगे 2 इंटू साइन 5x इंटू कॉस 5x, ठीक है। उसके बाद आप लिख लोगे 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, अब यहाँ से ये कहाँ से ला लिया, देखिए 2 इंटू साइन 5x इंटू कॉस 5x, हाँ भैया ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। अब भैया हमें पता है अच्छे से, क्या पता है, क्या पता है, बता बता बता, हमें भैया ये पता है कि साइन 2x जो होता है ना, वो क्या होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, क्या यही होता है क्या, हाँ भैया यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधे सीधा उल्टा जाए तो हम बोल सकते हैं कि अगर 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देखे तो आप सीधे साइन 2x लिख लेंगे, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिल गया, ठीक है। तो आप क्या लिख लोगे, साइन 2x लिख लोगे, ठीक है। 2 इंटू एक्स कितना भैया 5 है, यहाँ पर बात समझ में आती है, ठीक है। इंटू 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा साइन 2x, ठीक है भैया। 2 इंटू आपका एक्स कितना है, एक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, साइन 2x इंटू साइन 10x, क्या बात समझ में आती है, और यही है आपका राइट हैंड साइड, क्या है आपका राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व, ठीक है, बात समझ में आती है। हाँ भैया, अच्छे से हमें समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी, सवाल नंबर आपका आज का एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, चलो। अब देखो यार, ठीक है, हम चल लिए आगे। अब मैंने चलो इसलिए कहा था क्योंकि आपको एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, खुद से सॉल्व करना था, कैसे सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं आपके एनसीईआरटी 3.3 का है, वो भी कौन सा है, सवाल नंबर 13, बहुत ही इजी है, इसके जैसे ही है। क्या है भैया, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है साइन 4x इंटू कॉस, सॉरी साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक है। किस तरीके से करना है, यह भी सिंपल सी बात है। आप क्या लिखोगे, देखो आप लिखोगे सवाल नंबर 13 जो भी दे रखा है, आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है भैया, कॉस स्क्वायर
2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ठीक है ना। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल भैया, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो कि अब मैंने बोलूंगा, देखिए यहाँ से आप ये लिख सकते हो कॉस 2x इंटू कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x, क्या ये आप लिख सकते हो? हाँ भैया हम लिख सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वापस बता दिया, ठीक है। अब कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है, ठीक है भैया, यही होता है। उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। इतना अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। तो ये आप निकाल लोगे कॉस सी प्लस डी बाई 2 क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, क्या बात समझ गए, ठीक है। इंटू cos c माइनस डी क्या होता है? 2 sin c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी, डी कितना 6x माइनस सी बटे 2, क्या बात समझ में आती है? अच्छे से आगे बढ़ते हैं, अच्छे से चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए 2 इंटू कॉस कितना आपका 2 प्लस 6 8, 8 में 2 का भाग दिया तो हमने 4x मिल जाना है, ठीक है। यहाँ से कोस एक्स कितना जाएगा भैया? माइनस के 4 में 2 का भाग दिया तो हमें वापस से कितना मिल जाना है? माइनस का 2x मिल जाना है, ठीक है। यहाँ से देखो यार 2 इंटू साइन 2 प्लस 6 8, 8 में 2 का भाग दिया तो वापस हमें 4 ही मिल जाना है, तो हम मर जाना है, ठीक है। यहाँ से साइन 4x आ गया, यहाँ से कितना जाएगा? देखिए साइन 6 माइनस 2 कितना होता है? 4, 4 में 2 का भाग दिया तो वापस 2 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आती है। एक और बात समझ में आती होगी कि अगर कॉस के अंदर माइनस आ जाता है तो कॉस भूखा बैठता है और उस माइनस को खा लेता है, ठीक है भैया। तो इस कॉस को हटा लेंगे, अब हम थोड़ा सा सिंपल करके लिखते हैं। क्या? 2 इंटू देखना, 2 इंटू हम लिखते हैं साइन 4x इंटू कॉस 4x, ये लिख ले क्या, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 4x साइन 4x इंटू कॉस 4x, ठीक है। उसके बाद आप इस लिखते हैं 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये भी लिख ले, ठीक है। तो साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये भी हमने लिख लिया है। देखिए अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। साइन 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है आपका 4x, ठीक है। उसके बाद आप इस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा, थीटा कितना है आपका 2x, ठीक है। बात समझ में यह भी आती है, अच्छे से आती है और हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आती है। यहाँ से कितना हो जाएगा भैया? साइन 8x और यहाँ से कितना हो जाएगा? साइन 4x, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं, अच्छे से इसको सुसज्जित करके हम लिख सकते हैं साइन 4x इंटू साइन 8x जो कि है आपकी राइट हैंड साइड, और यह सवाल भी हमने अच्छे से सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया है, सॉल्व सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। तो यह है आपका सवाल नंबर 13। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है? वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को हल कीजिए।